यही सर। अजय जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड देखा है। सोइंग के टाइम पे कीमतें काफ़ी अट्रैक्टिव थी, काफ़ी अच्छे लेवल्स थे, लेकिन फिर सरकार के सोया खली के आयात करने के फैसले से भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिला है। और अब जो उत्पादन का आंकड़ा है सोपा का, वो भी पहले के मुकाबले 14% ज़्यादा है, लगभग 119 लाख टन के अराउंड बताया जा रहा है, जो सोपा द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अब इतने सारे फैसले आ चुके हैं खाद्य तेलों की ड्यूटीज़ को लेकर, सोयाबीन के ऊपर लेकर और स्टॉक लिमिट को लेकर खाद्य तेलों की, तो ऐसे में अब सोयाबीन का बाज़ार इस साल के अंत तक और आने वाले साल में कैसा रह सकता है? देखिए कहावत होती है शेर आया शेर आया जी। अब अगर हम, जैसे आपने भी बताया है कि जितने भी बड़े इवेंट होने थे वो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आई थिंक जो डर का माहौल बना था कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी, वो सारे डर निकल चुके हैं। नो डाउट हमने देखा है कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंसर्न्स को देखते हुए चने पे मस्टर्ड पे कुछ एक्शंस लिए भी थे, बट ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो सोयाबीन पे भी ले। बट ओवरऑल मुझे दो चीज समझ में आती है, पहला नो डाउट सोइंग अच्छी हुई है, प्रोडक्शन अच्छा है, सोपा के भी जो नंबर्स आप बता रहे हैं उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्निंग जो है वो डिमांड को लेकर है, क्योंकि मैंने जितने भी ट्रेडर से इंडस्ट्री वालों से बात की है सबको जो एक्सपीरियंस है वो पास्ट का एक्सपीरियंस है। पास्ट में हमने कभी भी ऐसा पैंडेमिक जैसा सीनरी देखा नहीं है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि पैंडेमिक को सबने एक पैसिमिज्म तौर पे लिया है, जिस ढंग से हमने इस बार दिवाली के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सवा डिमांड देखी है 100 के मुकाबले 125 देखी कोई भी सेक्टर में, तो सिमिलरली एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी मुझे लगता है ये डिमांड सिनेरियो और तेजी से बढ़ेगा। सोयाबीन के अंदर पॉलिट्री इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो कंटिन्यू बनी हुई रहेगी और आगे भी बनेगा। अराइवल प्रेशर के चलते मुझे लगता है कि अगले महीना भर मार्केट एक दायरे में रहेगा, जो 5100 के नीचे या 5000 के नीचे बिल्कुल जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, हाई साइड में 5700-5750 ये दायरे में ही रहेगा। बट बेच के काम बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा भी पुल बैक आए लेके चलिए। अगर हम जनवरी के अंत तक की बात करें तो हमें लगता है प्राइजेस 6300 से 6400 का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं फार्मर्स के लिए एक्सचेंज के ऊपर ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल्स है, जहां पे वो सोइंग के समय ऑप्शंस के अंदर बेचकर मतलब पुट लेकर काम कर सकते हैं, ताकि वो अपनी प्राइस को लॉक कर सकते हैं। तो ओवरऑल सोयाबीन में मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही अपनाइए, जनवरी फरवरी तक का व्यू लेके चलिए, 6200 तक के लेवल हम सोयाबीन में भी देख पाएंगे जी। तो यानी कि सोयाबीन भी उन कमोडिटीज में शामिल हो सकती है जिसमें निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, सिर्फ इस साल के अंत तक नहीं, साल 2022 में जनवरी फरवरी के अंत तक भी सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो 6200-6300 का लेवल दिखलाती हुई नजर आ सकती है।